नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम शक्ति के माध्यम से हम आपको हिमाचल की कुछ खास महिला शख्सियतों से मुलाकात कराते हैं, जिनके जीवन से आप, मैं और हम सब प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि वो हैं शक्ति। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं बदलते समाज में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए वी फील सो लकी कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है रश्मि शर्मा जी। पेशे से वो एक अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यों के साथ भी वो जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी। रश्मि जी, आज हम बातचीत करने वाले हैं महिलाओं की समाज में क्या भूमिका है, और जब बदलते समाज की जब हम बात करते हैं उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। आप खुद एक महिला हैं, बहुत ही सफल आप महिला हैं, एक अधिवक्ता हैं और बहुत सारे ऐसे सोसाइटल कॉजेज और सोसाइटल इश्यूज के साथ भी आप जुड़ी रहती हैं। पर पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जो बात करते हैं अपने समाज की, तो हमारे समाज में कहा यह जाता है कि नारी काफ़ी पूजनीय है, और पुरातन काल से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें तो पुरातन काल से लेकर अभी तक महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है और कैसे आप उसको देखती हैं? जी, भारत में महिलाओं की स्थिति में जो है बहुत बड़े बदलाव आए हैं जी। और वैदिक काल में पुरुषों की बराबरी से लेकर मध्यकालीन युग में निम्न जीवन स्तर व समाज सुधारकों द्वारा समानता के अधिकार को बढ़ावा देते हुए आधुनिक भारत की आधुनिक महिला का जो इतिहास है जी, वो काफ़ी गतिशील रहा है। प्राचीन काल में या कहें वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार था, और शिक्षा जो है उनका माता पिता का परम कर्तव्य होता था कि वो अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को शिक्षित करें जी। और एक परिपक्व उम्र में विवाह किया जाता था, और विवाह के लिए भी जो है उनकी सहमति जरूरी होती थी जी। और महिलाओं को अपना पति चुनने का अधिकार था, वे स्वतंत्र थी जिससे भी शादी करना चाहें। तो महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता थी और वो पुरुषों के बराबर ही थी। उनको जो है समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और परिवार में जो है आदर प्राप्त होता था जी। लेकिन मध्यकाल में जैसे कि आक्रमणकारी मुगल साम्राज्य आया या ब्रिटिश शासनकाल में जो है बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई महिलाओं की, और समाज में बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म लिया, जिसमें कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा और जौहर, ये सब जो है कुरीतियों ने समाज में घर बना लिया, और महिलाओं का जो है बाल विवाह होने लगा और शिक्षा जो है समाप्त होने लगी, और इस वजह से वो शिक्षा से वंचित होने लगी जी। ब्रिटिश काल में मिसेस कुक जो एक ब्रिटिश महिला थी जी, उन्होंने जो है कोशिश की और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो है एक बालिका विद्यालय की आज स्थापना की जी। और इसी तरह सावित्रीबाई फुले जी, हमारी भारत की जो महिला थी, उन्होंने भी महिलाओं के जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। तो इस तरह से जो है इन कुरीतियों के खिलाफ भी काफ़ी लोग खड़े हुए, और राजा राम मोहन राय जी, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, एनी बेसेंट जी, सरोजिनी नायडू जी, मतलब बहुत सारे नाम है, दे आर एंडलेस। हाँ जी, तो उन्होंने जो है बहुत कोशिशें की महिलाओं के उत्थान के लिए, और उस तरह से जो है चलते चलते आज देख रहे हैं आप कि महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो जी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, और पुरातन काल की आपने बात की, वैदिक काल में महिला और पुरुष बराबर थे, और कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा समय आया जब महिलाओं को कहीं ना कहीं काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ा। और आज के युग की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला हैं। अंतरिक्ष में अगर हम बात करते हैं, सुनीता विलियम्स हो, कल्पना चावला हो, तो अंतरिक्ष में भी महिलाएँ गई हैं, और हर जगह बड़े बड़े कंपनीज की CEO भी महिलाएँ हैं। और महिलाओं की हम बात कर रहे हैं तो रश्मि जी, आप भी एक महिला हैं, महिला एक माँ भी होती है, महिला एक बहन भी होती है, समाज में एक महिला की क्या भूमिका होती है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के बिना समाज की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल सही बात है, महिलाओं से ही समाज बनता है, क्योंकि महिला एक लाइफ को जो है जी अस्तित्व में लाती है। तो कहते हैं कि पहला स्कूल जो है घर ही है, और माँ ही पहली गुरु होती है। तो महिला जो है वो परिवार बनाती है, और परिवार से ही समाज बनता है, और समाज से ही देश बनता है, और इसी तरह जो है प्रगति होती है। जहाँ पर आपने देखा होगा, कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और यहाँ तक कि हमारे अथर्ववेद में जो है उल्लेखित है कि कोई भी महिला तभी सफल हो सकती है अगर वो शिक्षित हो। तो हमारे जो वैदिक काल में है वो पहले से ही शिक्षा का बहुत महत्व बताया गया है,
और महिला का जो रोल है वो तो देखिए, एक महिला जो है वो माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, और हर रूप में जो है वो बहुत ज्यादा सबके लिए केयरिंग है और जो है अपने परिवार के लिए। और अब तो आपने देखा है कि बाहर जाके भी काम कर रही हैं महिलाएं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और देश को प्रगति के पथ पर ले जा रही हैं। स्पोर्ट्स में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं, हमारे पास सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम जैसे ऐसे कई नाम हैं जो बहुत, उन्होंने हमें देश विदेश में बहुत ज्यादा नाम रोशन किया है। जी, और रश्मि जी अब तो हम देखते हैं कि आर्मी में भी महिलाएं हैं, और अगर हम बात करें कि यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर तक महिलाएं हैं, बस चलाने वाली महिलाएं हैं, और मतलब हर फील्ड में महिलाएं आगे आ रही हैं और पुरुषों के की बराबरी कर रही हैं, और कहना गलत नहीं होगा कहीं ना कहीं पुरुषों से बेहतर काम भी कर रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति ने ही देखिए खास बनाया है महिलाओं को, प्रकृति ने ही बहुत खास बनाया है। अब जब प्रकृति ने ही इतना महिला को दिया है तो आप खुद सोचिए कि अगर मौका मिले तो महिला क्या नहीं कर सकती। महिला हर फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और शायद आपको पता होगा कि शानन ढाका में जो है एनडीए का फर्स्ट बैच महिला बैच है जी। और आजकल तो महिलाएं MiG-21 भी उड़ा रही हैं, और जिसकी किसी ने कभी शायद कल्पना भी नहीं की होगी जी। तो हमारे तो देश की प्रधानमंत्री देखिए एक महिला रही है, कितनी सारी चीफ जस्टिस या जजेस महिलाएं हैं जी। तो इस तरह से जो है महिलाओं के साथ अब समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है बदलाव की। जी रश्मि जी, आप एक महिला हैं, आप एक माँ भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं, आप एक बेटी भी हैं, और आप एक सफल अधिवक्ता भी हैं, बहुत अच्छी लॉयर भी आप हैं, तो क्या मुश्किल नहीं हो जाता इतनी सारी चीज़ों को मल्टीटास्क करना, कि आप अपना ऑफिस भी आप संभालेंगी, आप अपना घर भी संभालेंगी, आप अपनी फैमिली को भी टाइम देंगी, तो क्या थोड़ा मुश्किल हो जाता है? जी जैसा कि मैंने पहले बताया कि आदमी के लिए मुश्किल तो है सब कुछ मैनेज करना, लेकिन जैसे प्रकृति ने ही महिला को खास बनाया है, ये चाहे आज भी आप कितना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, मॉडर्नाइज हो गया है सारा, लेकिन फिर भी महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर परिवार उस मतलब महिला की ही जिम्मेदारी होती है जी। तो इस तरह से जो है महिला को शायद भगवान ने ही ऐसा बनाया है, कि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हम सब कुछ संभाल पाते हैं जी। और रश्मि जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि महिला कहीं ना कहीं मल्टीटास्क करने में बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत सारे कार्य वो एक साथ कर लेती हैं, और कहीं ना कहीं समय को भी बड़े अच्छे तरीके से वो यूटिलाइज करती हैं। हम बात कर रहे हैं कि समाज में, बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका, तो आपको क्या लगता है कि जो अब समाज बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बदलते समाज में जो महिलाओं की जो एक छवि है, महिलाओं की जो एक भूमिका है, क्या वो पॉजिटिव बन रही है या कहीं ना कहीं नेगेटिव भी बन रही है? देखिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं की छवि पॉजिटिव बन रही है नेगेटिव, सब इंसान हैं, तो सोशल मीडिया सबके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है जी, उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि महिलाओं को अब अपने अधिकारों के प्रति वो बहुत जागरूक हो गई हैं, और इक्वालिटी तो हमें संविधान से ही मिली है, संविधान के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और जहाँ तक मैंने आपको जैसे मध्यकालीन में बताया कि बहुत सारे जो अत्याचार महिलाओं पर हुए जी, उसकी वजह से जो है बहुत सारे कानून महिलाओं के फेवर में बनाए गए, लेकिन हाँ इसका आजकल दुरुपयोग भी हो रहा है जी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं अभी भी काफी, जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो वो अपने घर परिवार तक ही सीमित हैं जी। अभी जैसा कि आपने देखा होगा पंचायती राज में अभी 33% आरक्षण भी उनको दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है महिलाएं अपने परिवार को ज्यादा समय देना जो है उचित समझती हैं जी। तो वो ऐसा नहीं है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है उनकी समाज में भागीदारी बहुत ज्यादा है, वो बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा ले रही हैं, और अच्छी बात है देखिए कि महिलाएं आगे आ रही हैं जी। रश्मि जी, महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया कि हमारे संविधान ने बहुत सारे अधिकार भी महिलाओं को दिए हैं, आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो आप बहुत बेटर तरीके से हमें बता सकती हैं कि संपत्ति में महिलाओं का क्या अधिकार है? जी पहले ऐसा था कि संपत्ति में जो है सिर्फ पुरुषों का ही या बेटों का अधिकार होता था, बेटियों का कोई हक नहीं होता था, लेकिन बाद में एक्ट बनाया गया और ऐसा हुआ कि इसमें कि अब महिलाओं को भी जो है प्रॉपर्टी में पूरा हक है, राइट है उनका, और पहले ऐसा होता था कि उनको शेयर मिलता था लेकिन राइट नहीं था जी, एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं होती थी, लेकिन अब जो है उनको ओनरशिप मिलती है जी। और रही बात संपत्ति की, तो
हमारा जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, उसमें ऐसा है कि शादी करके लड़की अपने घर चली जाती है तो वो ऐसा माना जाता है कि अब वो उसका घर है जी। लेकिन इसीलिए कानून बनाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वो किस हाल में है, क्या है, कोई नहीं देखता था क्योंकि कोई अधिकार नहीं थे लड़की के। लेकिन इसीलिए कानून बना और संपत्ति का अधिकार उन्हें मिला कि अगर वो अपने ससुराल में ठीक नहीं है या परेशानी में है तो कम से कम उसको जो है कहीं ना कहीं अपनी संपत्ति में अधिकार मिले जी। रश्मि जी, आपने शिक्षा के बारे में भी जिक्र किया कि शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शिक्षित होना और शिक्षा की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कानून भी, हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की भी बात करते हैं, तो एक महिला का शिक्षित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये देखिए, महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि महिला ही जो है पहली गुरु होती है जी। तो अगर वो शिक्षित होगी तो परिवार शिक्षित बनेगा और समाज भी शिक्षित बनेगा और उससे ही हमारा देश जो है उन्नति करेगा जी। आज जो है, चाहे आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज हो या कोई भी, जैसे हमारा लॉ का है या कहीं भी आप चले जाएं, तो वहाँ पे मतलब 30-40% जो है महिलाओं का ही जो है रहता है कि महिला मेजॉरिटी में आ रही हैं अब जी। अब ऐसा है कि हर जगह महिला अपना दिखा रही हैं कि हम भी पुरुषों से कम नहीं हैं जी। लेकिन इसके लिए जो है शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है जी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर महिलाओं का शिक्षित होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं एक महिला जब शिक्षित होती है तो वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को, अपने बच्चों को भी कहीं ना कहीं शिक्षित करती है और कहीं ना कहीं एक अच्छी सीख भी उन लोगों को देती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा रश्मि जी कि कुछ लोगों को ये भी कहते हैं कि महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसा आपने जिक्र भी किया कि मध्यकालीन युग की हम बात करें, आज भी महिलाओं को काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो क्या आप बताएंगी कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या उसका कोई निदान भी है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे समाज में कुरीतियाँ जब घर कर गई तो मध्यकालीन की जो मैंने बात की तो उसमें तो समाज सुधारकों ने बहुत कोशिशें की और कई जो है उस टाइम भी सती प्रथा को ख़त्म किया गया जी। और बाल विवाह को ख़त्म किया गया, लेकिन उसके बाद भी आधुनिक युग में भी जो है दहेज प्रथा और इस तरह की बातें जो थी तो उसके लिए भी एक्ट पारित किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित किया गया, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं उसके लिए जो है कानून बनाए गए और वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है लेडीज़ को तो उसके लिए भी कमेटीज़ बनाई जाती हैं और कानून बने हुए हैं। तो कानून जो है वो हमेशा महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है और क्योंकि महिला होने के नाते परेशानियां तो आती हैं, लेकिन इसी के लिए जो है कानून बनाया गया है और उनको प्रोटेक्शन दी गई है ताकि महिला जो है अपना आराम से काम कर सके जी। रश्मि जी, जैसा आपने जिक्र किया कि महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारी ऐसी धाराएं उनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार के द्वारा और जुडिशरी के द्वारा भी दी गई हैं, तो इसकी वो जिसको कहते हैं कि अवेलना वो किस प्रकार से कर सकती, किस प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कोई महिला जो भी आपको सुन भी रही है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस यानी चार दीवारी के अंदर घरेलू हिंसा से पीड़ित है या कहीं ना कहीं उसका शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो किस प्रकार से वो जिसको कहते हैं एक लीगल एड यानी कि एक निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करें? जी हाँ, कोई भी महिला अगर किसी तरह का अत्याचार फेस कर रही है, उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी, तो वो कंप्लेंट कर सकती है और अगर पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं तो सीधे मजिस्ट्रेट के पास भी कंप्लेंट कर सकती है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस का है उसमें तो इमीडिएट एक्शन होता है और आपको मतलब मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी कानून बनाया गया है कि वो मेंटेनेंस भी मांग सकती हैं। और बाकी तो महिलाओं के लिए देखिए, पहले कन्या भ्रूण हत्या होती थी तो उसके लिए भी कानून बना है और बहुत सारे जो है हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पे वो जो है फोन कर सकती हैं अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या किसी तरह की कोई बात हो रही है। हर जगह जो है रिड्रेसल कमेटीज का गठन किया गया है तो वो कमेटी में कंप्लेंट कर सकती है अगर वो वर्किंग वुमेन है और वहाँ कार्यस्थल पे कोई ऐसी घटना हो रही है। जी रश्मि जी, जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ हैं, आपको कंप्लेंट अगर आप दायर करते हैं तो जल्दी से जल्दी आपकी कंप्लेंट पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। कई बार महिलाएं ये भी सोचती हैं कि अगर हम बाहर आके जो हमारे साथ हिंसा हो रही है उसके बारे में अगर बोलेंगी तो कहीं ना कहीं समाज में हमारे को एक जिसे कहते हैं कि एक तीखी दृष्टि से देखा जाएगा, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इन सब चीज़ों को सह रही हैं और आगे आके वो बोल नहीं रही? जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर हमेशा जो है अगर कोई
महिला आवाज उठाती है तो पहले उसे ही गलत ठहराया जाता है। बट अब परिस्थितियां चेंज हो रही हैं और महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं अपने अधिकारों के प्रति, और उन्हें पता है कि उनको किस फॉरम में जाना है और क्या किस तरह से जो है अपनी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और इसके लिए जो है बहुत सारी एनजीओज भी काम कर रही हैं और महिलाओं के लिए जो है कानून बनाए गए हैं, तो इस वजह से जो है महिलाएं अब अपनी प्रगति और अपनी शिक्षा पर जो है ध्यान दे पाती हैं। जी रश्मि जी, हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस रहता है, हम स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी बातचीत करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा जीवन भी जिएंगे, तो हेल्थ के प्रति महिलाओं को कितना फोकस रखना चाहिए? आप खुद भी एक महिला हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, और क्या आप और महिलाओं को भी कहना चाहेंगे कि अपने आप को हेल्दी रखें? जी हाँ बिल्कुल, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने आप को बिल्कुल फिट रखना चाहिए जी। और आप किसी भी फील्ड में हो, फिटनेस डिमांड है, आपकी फील्ड कोई भी है, आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए फिटनेस के लिए तो ये है कि लेडीज़ के लिए ज़्यादा इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक लाइफ को जन्म देती हैं, तो जो है उसके बाद उनको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके घर में फीमेल महिला जो ठीक है तो आपका पूरा परिवार ठीक रहता है और उससे ही पूरा देश ठीक रहता है। जी रश्मि जी, आपने जिक्र किया था कि महिलाओं के प्रति बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं उनकी रक्षा की जाए, कहीं ना कहीं उनके हितों को सुरक्षित किया जाए, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जहाँ इतने सारे कानून महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी बढ़ चला है, कहीं ना कहीं जेंडर बायस्ड लॉज बन चुके हैं, और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे काफ़ी सारी टिप्पणियां की हैं। आपके अधिवक्ता के पेशे में जो आपने काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको क्या लगता है, क्या आपने देखा है कि इस प्रकार से मिसयूज भी हो रहा है? यस, इट इज़ समटाइम्स अनफेयर टू मेन ऑल्सो। जी कई बार हमने देखा है कि दुरुपयोग भी होता है इन लॉज का, लेकिन वही बात है कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। कोई अगर एक आधा कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें कि झूठ के उस पे बुनियाद पे बनाया गया है केस, हालांकि अब तो काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ कि झूठे मुकदमे जो हैं, खासकर 498A को एक जो है शील्ड की तरह यूज़ कर रही हैं लेडीज़ या हथियार की तरह यूज़ कर रही हैं, तो वो गलत है। देखिए महिलाओं को सबसे पहले तो ये चाहिए कि सक्षम बने, अपने पाँव पर खड़े हो, कभी ये ना सोचे कि मुझे किसी रिच आदमी से शादी करके बस यही मेरा गोल है। सबसे पहले तो सक्षम बने, अपने पाँव पर खड़े हों, और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए आपको जो है इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी और पे डिपेंड ना रहें। और बाकी तो रही कि झूठ तो किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। जी रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रोल मॉडल की मैं बात करूँगा आपसे, कि आपके जीवन में कौन रोल मॉडल रहा? कई बार हम देखते हैं कि जब हम बचपन में होते हैं तो सबका रोल मॉडल उनकी माँ होती है, तो आपके जीवन में कौन रोल मॉडल रहा, किससे आप इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे अपनी लाइफ में? वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी मदर से ही सब लोग बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं, पर जो मेरा ये प्रोफेशनल डिसीजन था जो मुझे प्रोफेशन के लिए, वो मैं अपने फादर से इंस्पायर्ड रही जी। कि मुझे अपने फादर को देख के ये लगता था कि बहुत जो वकालत है बहुत ऐसा पेशा है कि हम इसमें अपने काम के साथ साथ समाज की सेवा भी कर सकते हैं जी। मेरी मदर जो है वो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं स्कूल से, तो मुझे मतलब टीचिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से वो घर और बाहर का संभालते थे, सारा मैनेज करते थे, तो वो मैं उनसे ही सीखा है। और अपने फादर से मुझे ये लगा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने वकालत जो है अपना पेशा चुना जी। रश्मि जी, जब हम बात करते हैं आज के समाज की और बदलते समाज की, जब हम बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल का है, तो आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी आज के समाज में, किस प्रकार से वो आगे बढ़ें, किस प्रकार से अपनी एक वो छाप छोड़ के जाएं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षित बने और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, और सबसे ज़रूरी बात कि एक दूसरे के लिए खुश होना सीखें। महिलाएं जो हैं एक दूसरे के लिए खुश होंगी तो वो एक दूसरे की शक्ति बनेंगी, और ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, तभी समाज में बदलाव आएगा जब हम एक दूसरे के लिए खुश होंगे और दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख कर अपने आप को ये सोचेंगे कि हमें भी कुछ करना है जी। अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा तभी फ़ायदा है।
जी। और रश्मि जी, आपने कंपटीशन की भी बात की, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव नेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों की लाइफ में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ चला है, और महिलाओं के जीवन में भी काफ़ी स्ट्रेस होता है। और मेरे ख्याल से आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगी कि आप ऑफिस भी संभाल रही हैं, आप घर भी संभाल रही हैं, आप अपने बच्चे को भी देख रही हैं, और आपकी जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासकर महिलाओं के लिए? देखिए, स्ट्रेस तो आज की दुनिया का एक बड़ा ही कारण बन गया है कि सबके जो है बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है। पर इसके लिए देखिए, आपको खुद ही अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि जिम जाओ या कहीं और कुछ करो। आप अगर हाफ एन आवर भी अपने लिए निकालते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो भी काफ़ी होता है जी। लेकिन अपने लिए ज़रूर समय निकालें, पहले अपने को जानें, फिर कोई और बात जचती है। तो रश्मि जी, आपका मतलब दिनचर्या क्या रहती है, अगर मैं जानना चाहूँ? मतलब आपकी सुबह से लेकर शाम तक कितने ऑक्यूपाइड आप रहते हैं, कितना मतलब जिसको मैं कहता हूँ कि हार्ड लाइफ रहती है आपकी? अब तो आदत बन गई है, अब तो नहीं कह सकते हार्ड लाइफ, ठीक है। सभी लेडीज का यही रहता है, अर्ली मॉर्निंग और बच्चों को स्कूल भेजना होता है, फिर अपना सब काम करके ऑफिस आओ, ऑफिस में सबके काम जो भी हमारे पास है, कोर्ट जाना होता है, तो वही सबके जैसा सबकी लाइफ है सेम हमारी भी वही है। बस हमारा थोड़ा ही हो जाता है कि कई बार लेट आवर्स में बैठना पड़ता है जी, बट ठीक है, फैमिली सपोर्ट हो तो सब हो जाता है जी। रश्मि जी, जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि बहुत सारी महिलाएं घरेलू हिंसा से भी पीड़ित हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म रहता है, तो आपके पास भी काफ़ी ऐसी महिलाएं आती होंगी, और क्या आप उनको काउंसिल करती हैं, क्या आप उनको उनके राइट्स के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनके हक हकूक के बारे में बताती हैं? जी हाँ, जैसा कि पहले भी बात हुई थी कि लीगल एड लिटरेसी कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कोर्ट्स की तरफ से, तो उसमें जो है वकील ही जाकर जो है उनको कानून और उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं गांव-गांव जाके, और एनजीओस भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम एनजीओस की तरफ से भी कई बार जो है गांव-गांव में जाकर सबको जागरूक करते हैं। और बाकी रही बात कि कोई हमारे पास आता है, तो हमारी कोशिश खासकर जो डोमेस्टिक फैमिली के जो मुद्दे होते हैं उनमें, तो हम कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग करके ही अगर सुलझ जाए तो ज़्यादा बेटर है, कि कानूनी लड़ाई झगड़े में ना पड़कर कि किसी का घर बस जाए। बट बाकी तो अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर कानून तो बना ही है जी। रश्मि जी, हम भविष्य की बात करते हैं, हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो आप फ्यूचर में महिलाओं का क्या रोल देख रहे हैं, महिलाओं की आप क्या भागीदारी, क्या भूमिका देख रही हैं फ्यूचर में? देखिए, जैसा कि वर्तमान स्थिति है तो भारत की महिलाएं अब हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। हालांकि अभी भी कई जगह ऐसा है कि महिलाओं को जो है उतना आदर और सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे समाज में जो है जागरूकता आ रही है और परिवेश जो है बदल रहा है, तो उस हिसाब से तो हम देखते हैं कि आने वाला समय जो है महिलाओं के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और महिलाएं देखिए, जैसा कि अब हमारी राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो कैसी परिवेश से निकल कर आई हैं और आज राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं, तो इस हिसाब से तो मुझे बहुत ब्राइट फ्यूचर जो है हमारी महिलाओं का लगता है जी। रश्मि जी, कहा यह जाता है ना कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब हम देख रहे हैं कि महिलाएं जिस प्रकार से आगे आ रही हैं और पावरफुल पोस्ट पे महिलाएं हैं, आपने जिक्र किया कि हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला हैं, प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी हाई पोस्ट पे महिलाएं कार्य कर रही हैं, तो विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर महिलाओं को, क्योंकि लोगों की बड़ी सटीक नज़र होती है कि महिलाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं? देखिए, वो समाज में कई जगह है कि पुरुष को जो है इस तरह देखा जाता है कि खासकर वकालत के पेशे में, कि पुरुष वकील है तो वो बहुत अच्छा है और महिला वकील है तो पता नहीं कर पाएगी कि नहीं। लेकिन अब जो है चेंज आ रहा है, और आप देखेंगे कोर्ट्स में आएंगे तो महिलाओं की भी जो है बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है, अब बहुत महिला वकील आ चुकी हैं और बहुत सारी महिला वकील जो हैं अच्छा काम कर रही हैं, और जो है उन्होंने महिलाओं को बल्कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ट्रस्ट गेन करने के लिए जी। हर फील्ड में उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये समानता जो है मिल जाए कि अपने आप को प्रूव ना करना पड़े जी। रश्मि जी, आपने समानता का जिक्र किया, आपने इक्वालिटी की बात करी कि कहीं ना कहीं महिला और पुरुष बराबर है, बट कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिला वर्सेस पुरुष इस प्रकार की बातें रहती हैं, फेमिनिस्ट की हम बात करते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मातृपक्ष या फिर पितृसत्ता, तो कितने आप इस तर्क से सहमत रहती हैं? देखिए, पितृसत्तात्मक तो है ही,
भारतीय समाज जो है वो पितृसत्तात्मक ही है जी। और बाकी रही बात कि इसमें आपने कहा कि कंपटीशन का एक रहता है कि मेन वर्सेस वुमेन, तो देखिए तो प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है पुरुष और महिला, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा जो है इस नजर से ही देखा जाए कि ये पुरुष है ये महिला है, सब लोग समान हैं और अपने अपने कार्य को भली भांति निभा रहे हैं। रश्मि जी आपने बहुत अच्छा बताया कि इक्वालिटी समानता की बात होनी चाहिए, महिला वर्सेस पुरुष की बात नहीं होनी चाहिए। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।